हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में GTPL के सेटअप बॉक्स की अनबॉक्सिंग के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तो सबसे पहले ये है GTPL का सेटअप बॉक्स, और यहाँ पर ये GTPL का लोगो आप देख सकते हैं। GTPL यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और ये है इसका बारकोड आप अगर देख सकें। अब देखते हैं अब इसके अंदर क्या है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले ये है GTPL का यूज़र मैनुअल है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स दी गई है। ये सेटअप बॉक्स के पीछे का जो पोर्ट होते हैं उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस तरह से हम इसको लगा सकते हैं यहाँ अपनी टीवी में। और ये है इस मॉडल का यहाँ पर फोटो दिया गया है, यहाँ पर ये मॉडल नंबर है, ये दिया गया है मॉडल नंबर, और ये इसका बारकोड स्टिकर है। तो अब हम इसे साइड में रखते हैं, देखते हैं अब इसमें अंदर क्या क्या है। ये देखिए दोस्तों, GTPL का ये सेटअप बॉक्स, ये देखिए दोस्तों GTPL का सेटअप बॉक्स। यहाँ पर तीन बटन्स दी गई है, ये है पावर की, और ये दोनों है चैनल की। और यहाँ पर दोस्तों देखिए USB, एक USB पोर्ट भी दिया गया है, जिससे कि हम किसी भी USB फ्लैश ड्राइव को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर पीछे की साइड अगर हम देखें तो यहाँ पर ये केबल का, यहाँ पर ये अपनी जो भी और चैनल का जो वायर आता है यहाँ पर इसको लगाना होता है, और यहाँ पर ये लूप आउट है, यहाँ पर केबल इन यहाँ पर हमको लगाना होता है। और यहाँ पर हमको तीन पोर्ट देखेंगे, यहाँ पर ये ऑडियो का, और दो ऑडियो के और एक वीडियो का, जो कि यहाँ पर लगाना है। और दूसरी साइड के पोर्ट होते हैं वो टीवी में हमको लगाने हैं, जिससे कि हमको वीडियो और ऑडियो हमको मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 12 वोल्ट का यहाँ पर हमको एडाप्टर यहाँ पर लगाना होता है, जिससे हमको ये सेटअप बॉक्स के लिए पावर का काम करता है। तो देखिए दोस्तों, ये है सेटअप बॉक्स, और हम अगर देखें तो ये है दोस्तों सेटअप बॉक्स का रिमोट, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो देखिए दोस्तों, यह रिमोट बेसिक सा, और अब देखिए दोस्तों ये है एडाप्टर, ये है दोस्तों सेटअप बॉक्स का एडाप्टर, जो कि हमें सेटअप बॉक्स में लगाना है। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है एडाप्टर, और इसको हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से, कुछ यहाँ पर हम लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये तीन पिन के वायर दिए गए हैं, जिससे कि हम यहाँ पर ये वीडियो और ऑडियो की पिन्स यहाँ पर दी गई हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये तीन पिन है वो हमको लगानी है। यहाँ पर ये रेड वाली आएगी, यहाँ पर वाइट वाली आएगी, और यहाँ पर येलो वाली आएगी। और ये जो तीन पिन है वो अपनी टीवी में लगानी है, और ये पावर बटन, पावर यहाँ पे इससे पावर मिलेगा सेटअप बॉक्स को, जिससे, और यहाँ पर केबल का वायर जो होता है वो यहाँ पर लगाना होता है, जिससे कि हम चैनल देख सकते हैं। तो दोस्तों, और ये है, ये यहाँ पर दो पावर्स दी गए हैं इस रिमोट में डालने के लिए। तो दोस्तों, ये है इस GTPL का सेटअप बॉक्स। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर इस सेटअप बॉक्स में इतनी चीज़ें मिल जाती है जो मैंने यहाँ पर दिखाई है। सेटअप बॉक्स, रिमोट, एडाप्टर, यहाँ पर वायर्स ऑडियो वीडियो के, और यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों,
इस सर्कल पे क्लिक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही दूसरे हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए बना सकूँ। तो दोस्तों चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।